तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक जो है ये देखिए मेरे पास मेल आया था और नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं पर्सनल ही रखूँ और लोगों के नाम ना लूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों का हाथ जोड़ के जो है स्वागत करना चाहती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। और मैं संगीता आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे जो है आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और वीडियो को प्लीज़ फुल देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को जो है कमेंट जो है पढ़ के सुनाती हूँ क्या लिखा है इसमें। और मैडम मैं 29 मतलब साल का हूँ और मैं अभी वर्जन हूँ, मैं आपकी चैनल का वीडियो देखता हूँ। मैडम कल रात में मैं मास्टरबेशन कर रहा था, सडनली मेरी मौसी ने देख लिया। वो मेरे पास आई और मुझे बोला कि वह मेरे साथ मास्टरबेशन देखना चाहती हैं, और उसके बाद वह मुझे बोला कि वह मेरे साथ सेक्स भी करना चाहती हैं। मैं नहीं कुछ बोला। अगले दिन मॉर्निंग में मौसी ने सेक्स के बारे में पूछा। मैडम मेरी मौसी 55 साल की, मतलब इनकी मौसी जो है 55 साल की हैं, और 3 साल पहले जो है उनके हस्बैंड की जो है डेथ हो गई है। और मौसी ने बोला कि 3 साल से मतलब संबंध मैंने किसी के साथ नहीं बनाया, अब मैं क्या करूं मैडम, मैं कंफ्यूज हूँ। सुनने में गलत लग रहा होगा पर क्या कर सकता हूँ। अगर आपको गलत लगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं था इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ ये बात। प्लीज़ मैडम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो। क्या आप मुझसे अपना फ़ोन नंबर दे सकती हो? तो पहली बात मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि जो है अगर आपकी मौसी जो है इतने मतलब एज की हैं 55 साल की हैं और अपने आप से जो कंट्रोल नहीं रख पा रही हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि जो है आप अपने ऊपर कंट्रोल रखो, क्योंकि वो आपकी मौसी हैं और मौसी जो है माँ के समान होती हैं, और आपके अंदर जो है उनके लिए भी इज्जत भावना है और प्यार है, उसका मैं जो है बहुत बहुत आप लोगों को जो है धन्यवाद करती हूँ कि इतना जो है आप उनको इज्जत देते हैं। और उनको भी समझना चाहिए कि ये मेरे बेटे जैसा है, और अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और उनकी एज भी इतनी हो चुकी है तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा योगा करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, और पूजा पाठ की जो है चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि इस एज में जो है ये सब चीज़ें करना उनको शोभा नहीं देता है। और रही बात जो है संबंध बनाने की, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप उनसे खुल के बात करिए कि मौसी आप मेरी माँ जैसी हो और मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। अगर उन्होंने आपको कुछ गलत करते देखा है, हैंड प्रैक्टिस करते देखा है, तो आप उनसे माफ़ी मांग लो और उनसे बोलो कि मौसी मैं मुझसे गलती से हो गया, आइंदा नहीं करूँगा कभी। और अगर वो समझ जाती हैं तो समझ जाती हैं, नहीं तो आप किसी अपने फैमिली मेम्बर से ये बात शेयर करो और उनसे बोलो कि मौसी मुझसे ऐसे बोल रही हैं, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो है इस एज में जो है किसी भी जेंट्स के साथ, वो भी अपने बच्चे के बराबर जेंट्स के साथ जो है संबंध बनाना बहुत गलत बात है मेरे नज़र से। और अपने आप के कंट्रोल नहीं रख सकता इंसान, क्या जो है संबंध बनाना जो है इतना ज़रूरी हो जाता है, जबकि उनकी एज जो है 55 साल की, 55 ईयर की है। और मुझे खुद मतलब मेल पढ़ के जो है बहुत मैं अचंभित हुई कि ऐसे भी इंसान हो सकते हैं, क्या ऐसी भी लेडीजें होती हैं। कुछ लेडीजें जो है बहुत अपने आप को कामुक समझती हैं, कामुक मीन्स आप लोग समझते होंगे कि जो है अपने आप को बहुत सेक्सी मानती हैं, और कुछ लेडीजें ऐसी भी होती हैं कि जो है बहुत ज़्यादा जो है सेक्स करना जो है पसंद भी करती हैं। तो जैसे जेंट्स की जो है हैबिट होती है, वैसे कुछ लेडीजों को भी हैबिट होती है कि बिना उसके वो रह नहीं सकती हैं। तो आप उनको समझा सकते हैं, प्यार से भी गुस्से से भी समझा सकते हो, और उनके साथ जो है अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो कि क्यों आप कर रहे थे और क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। क्योंकि बच्चा अगर अपनी माँ बाप से जो है अपनी बातें शेयर नहीं करेगा तो किसके साथ शेयर करेगा।
पहले फैमिली जो है ज़रूरी होती है। आप अपनी फैमिली से हर बातें शेयर कर सकते हो। अगर आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो आपके भाई होंगे या आपके पापा होंगे, मम्मी होंगी, तो उनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो। हिचकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2001 चल रहा है, तो नई पीढ़ी के लोग हैं और नई नई सोच है सबकी, और सबकी सोच जो है अलग अलग तरीके की होती है। और मेरे हिसाब से तो आपको बात करनी चाहिए और किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर आप गलत नहीं हो तो किसी चीज़ से डरना चाहिए, लेकिन आपने गलती की है और आप गलती किए करते हुए पकड़े गए हो, इसका मतलब जानते हो आप कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही हैं एक तरीके से, और आपको फोर्स भी कर रही हैं। तो डरिए मत, गलती इतनी बड़ी नहीं है कि आपको जो है फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी या काले पानी की सज़ा दे दी जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये तो नॉर्मली बात है, ज़्यादातर बच्चे जो है ये सब करते हैं, तो नॉर्मली बात है। और रही आपके मौसी की बात, तो नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है। और आप बेहिचक जो है अपने माँ बाप से इस बारे में बात कीजिए, पहले उनसे बात कीजिए खुद आप अपनी मौसी से, और अगर वो ना माने तो अपनी मम्मी पापा से आप बात करो और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालो, क्योंकि उनको ये सब शोभा नहीं देता, वो भी इस एज में ये सब करना, और कंट्रोल नहीं रख पाई, मुझे ताज्जुब है इस एज में। और मेरे साथ के कई ऐसे यूट्यूबर लेडीजें फ्रेंड हैं मेरी, जो मतलब जिनके हस्बैंड नहीं हैं और अभी वो 30 के अंदर हैं। और एक तो मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड अभी 2-3 महीने पहले जो है एक्सपायर हुए हैं, और उनकी एज 25-26 साल मुश्किल से होगी, और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है कि वो दोबारा शादी नहीं करेंगी, और उनकी जो है 10 साल की जो है बेटी होगी, 10 साल की नहीं और छोटी बेटी होगी उनकी, 7-8 साल की मुश्किल से होगी, और उन्होंने सोच लिया कि उनको शादी नहीं करना। जबकि मैंने उनसे कई बार, मैंने खुद फोर्स किया उनको कि यार आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी उम्र अभी पड़ी है। कभी कभी होता नहीं है कि बिना हस्बैंड के, बिना बाप के जो है हमारे समाज में लोग जो है जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, और हमारे अपने ही घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, खासकर प्रॉपर्टी को लेके और बच्चों को लिखाई पढ़ाई घर के खर्चे। अगर लेडीज़ कुछ कर नहीं रही हो तो कहाँ से चलेगा, यूट्यूब का क्या है, यूट्यूब आज है कल नहीं रहेगा, तो कुछ फिक्स होना चाहिए हमारी लाइफ में जो जिससे हमारी लाइफ जो है सिक्योर हो। तो मेरी फ्रेंड ने नहीं माना, उसने बोला कि मैंने अपने हस्बैंड से जो है सच्चा प्यार किया है, और मैंने जब उनसे शादी की थी तभी मैंने ये अपने मन में कसम लिया था कि जो है मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। और आपकी मौसी जो है इतनी एजेड हो गई हैं, 55 साल की हैं यार, वो अपने अपने जो है जो सेक्सुअल उनका जो है मन होता है सेक्स करने का, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। वो इंसान ही क्या जो अपने मतलब हैबिट के ऊपर जो है, अपनी भावनाओं के ऊपर जो है कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी होती है, तो आप उस तरफ ध्यान अपना केंद्रित कर दो, क्योंकि जब आप दूसरे तरफ ध्यान केंद्रित करोगे ना तो उस तरफ से आपका ध्यान जो है हट जाएगा। जब आपका ध्यान जो है दूसरी तरफ से हट जाएगा तो अच्छी चीज़ों पर आप फोकस कीजिए, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाइए, और जो है अपने घर परिवार में बातचीत कीजिए, बाहर आइए जाइए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा हमारा समाज है, घर परिवार के लोग, बाहर के लोग, सबसे मेल जोल ज़्यादा बढ़ाइए, और अपने आप को जो है अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैं उन लेडीज़ को भी, अगर वो मेरी वीडियो देखें, मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ, यार आप अपने बच्चे के साथ जो है ये करने की कोशिश कर रही हैं, आप कैसी माँ हो यार, आपने तो लेडीजों को जो है नाम को ही बदनाम कर दिया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा सोचना है। और रही बात आपके मन की, तो मन को कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि आप उस एज में पहुँच गई हो जिस एज में जो है अपने आप को इंसान पूर्णतः जो है कंट्रोल में कर लेता है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करना है अपनी लाइफ में क्या नहीं करना है, वो क्योंकि उसके लाइफ का जो है लास्ट स्टेज चल रहा होता है, जवानी होती है, बच्चे होते हैं 20 साल तक की जवानी शुरू हो जाती है 20 के बाद, और बुढ़ापा शुरू हो जाता है 50 के बाद। तो आप उस एज तक पहुंच गई हैं जब आपके जो है बच्चों के जो है बच्चे हो गए होंगे, नाती पोते आपके हो गए होंगे, अगर उनको पता चलेगा आपके बारे में तो वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। कुछ ऐसा कर्म करके जाइए, कुछ ऐसा करके जाइए अपनी लाइफ में कि आपको बच्चे जो है 4 पीढ़ी तक याद रखें।
जहाँ बात है मेरे सोच की और मेरे बोल्डनेस होने की, मैं बोल्ड क्यों हूँ, मैं बोलती क्यों इतना हूँ, मैं नहीं डरती किसी से और ना ही मैं मतलब अपने घर में या परिवार में किसी ने मेरे ऊपर कभी कोई दबाव डाला है। क्योंकि जो है, जो इंसान अगर गलत नहीं होता है तो उसे जो है किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप भी एक साधारण सी महिला हो, आप क्यों गलती कर रही हो अपनी ज़िंदगी में? पूरी लाइफ आपने अपने पार्टनर के साथ बिता दिया, क्या अपनी लाइफ में आप शादी आपके हस्बैंड थे उसके पहले भी आप कैरेक्टरलेस थी क्या, कि अपने मन को आप कंट्रोल में नहीं कर पाई? और मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी पर मेरा दिमाग जो है खुद कंफ्यूज हो गया जब मैंने कल जो है इस मेल को पढ़ा और मुझे खुद अजीब तरह लग रहा था और मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, मैं कंफ्यूजन में थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब उस समय थी बहुत ज़्यादा। और उन्होंने जो है इस मेल को जो है 3-4 बार मेल किया तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, लेकिन खुद इंसान की सोचने समझने की जो है इच्छा शक्ति जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर कोई इंसान अगला आपको गाइड कर रहा है तो उसकी बात को जो है मानना चाहिए। और मैं कभी जो है किसी को गलत सलाह नहीं दूंगी। और रही बात जो है सेक्सुअल टॉपिक की बात करने की, तो वो गलत नहीं होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आप लोगों को जो है हर बातें आप लोग अपने डॉक्टर के साथ शेयर करते हो, है करते हो कि नहीं? डॉक्टर के पास कहा जाता है आपको कोई भी मर्ज हो आप अपने डॉक्टर से ना छुपाओ, क्योंकि जहां आप छुपा ले गए वहीं पे आपकी जो है बीमारी पूरी ठीक नहीं होगी। तो हर टॉपिक पे आप लोग बात करते हो कि मैं भी एक लेडीज हूँ और आपको जो है लाखों चैनल इस टॉपिक पर मिल जाएंगे, तो मैं गलत कहाँ से हो गई? आखिर मैं भी तो इस समाज का एक हिस्सा हूँ, एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, हर रिश्ते मेरे पास भी मौजूद हैं। तो समझिएगा और बोल्ड हो जाइए आप लोग भी, क्योंकि तो ज़माना बदल चुका है और कोई किसी से कम नहीं है। ये सोचिए आप लोग कि कोई किसी से कम है तो ये बहुत गलत बात है। सब एक बराबर हैं, सब एक जैसे हैं, बस सोचने का तरीका सबका अलग अलग होता है। किसी के बॉडी को देख के, किसी के शरीर की बनावट को देख के, गोरा काला देख के अपने आप को जो है दूसरों को जजमेंट करने का जो आप लोग का नज़रिया है वो थोड़ा ताज्जुब कर देता है, मेरे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक मेरी बात रही, मैं आप लोगों को अच्छी सलाह देती हूँ। चलिए इसी के साथ वीडियो जो है एंड करती हूँ, मिलती है अगली वीडियो में। तब तक लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा और अपनी संगीता को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।